आज हम ब्रिटिश लॉ के ऐसे कानून के बारे में बात करेंगे जिसके तहत महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों पर केस चलाए गए, उनको जेल में डाला गया। और इस काले कानून का इस्तेमाल करके सरकार आज भी लोगों को जेल में डाल सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हो क्या है काला कानून, तो आ जाओ मेरे साथ वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर आप लोगों का अपने चैनल इंडियन लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसी धारा की बात करने वाला हूं जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है और हाल ही में किया जा रहा है। आज मैं बात करूंगा आईपीसी के सेक्शन 124A जिसके अंदर एक्सप्लेन आपका सेडिशन, जिसको हम बोलते हैं राजद्रोह। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि राजद्रोह सेडिशन की डेफिनेशन क्या कहते हैं। सेक्शन 124A आईपीसी डिफाइन whomever by words either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise bring or attempt to bring hatred or contempt or excite or attempt to excite disaffection toward government of India shall be punished with imprisonment of life plus fine or with imprisonment of minimum 3 years plus fine. And term disaffection include all the disloyalty and hatred and enmity toward government of India. तो दोस्तों ये डेफिनेशन है आपका सेक्शन 124A। तो डेफिनेशन कहती है whomever, कोई भी व्यक्ति, written, oral, by any representation, by any signature, अगर disaffection दिखाता है government of India को, hated speech या हेटेड वर्ड या हेटेड रिप्रेजेंटेशन देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, चाहे वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकार हो, तो ऐसे अपराधी को सेक्शन 124A के तहत कम से कम भी मिनिमम 3 साल की जेल और उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। और दोस्तों अगर उसकी स्पीच जो है वो ज़्यादा खतरनाक है या उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा, उसको जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा और उसके ऊपर जुर्माना भी लगा सकती है। तो इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ था डिसअफेक्शन, इसके अंदर आपका हेट स्पीच, आपका दुश्मनी या किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा मटेरियल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हो, वो आपका इसी सेक्शन के अंदर आता है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि केंद्र सरकार, चाहे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, 1860 का लॉ है, और चाहे आप अपनी भारत सरकार रही हो, इसका मिसयूज़ करते आ रहे हैं लोगों की आवाज़ दबाने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध कुछ बोलता है तो सीधा उसके ऊपर 124A लगा के, राजद्रोह सेडिशन का मैटर लगा के उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये कानून जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एंड नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा, जो ये राजद्रोह है, ये सेक्शन 124A है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो मतलब आपको इसके लिए बेल लेने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसमें बेल नहीं मिल सकती। क्योंकि दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, एक तो जो आप बेलेबल होते हैं जिसमें आप थाने से ही बेल ले सकते हो, और एक नॉन बेलेबल होते हैं जिसमें आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बेल लेनी होती है। आज मैं इस सेक्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 30 अप्रैल को ही 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है दो जर्नलिस्ट के द्वारा, एक जर्नलिस्ट है मणिपुर से और एक जर्नलिस्ट है छत्तीसगढ़ से। उन्होंने इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए और इसकी लीगलिटी को एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, और उन दोनों जर्नलिस्ट का कहना है कि ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है, ये सेक्शन 124A। अब मैं आपको बताऊं आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 हमारा फंडामेंटल राइट है जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपको बोलने का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी स्पीच और कुछ भी एक्सप्रेशन अपने दे सकते हो, बता सकते हो, आपको ये फंडामेंटल राइट भारत का संविधान देता है। तो अब दोनों जो आर्टिकल 19 है और जो सेक्शन 124 है वो आपस में क्लैश होते हैं कि बोलने का अधिकार का मतलब क्या, आप सरकार को कुछ भी बोल सकते हो। अब जो फाइनल डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसकी क्या वैलिडिटी है और ये कितना एक दूसरे को क्लैश करते हैं, कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है बट आप उसको एक लिमिट होनी चाहिए कि आप किस हद तक बोलोगे। सरकार के खिलाफ जो भी सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, आप किसी तरीके के अपशब्द यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही छोटे मोटे सेक्शन के साथ। धन्यवाद।